ये देखिए जी, सारे रोल बन गए हैं। चिकन रैप, चिकन रोल कह लीजिए, तो खाइए, मज़े मज़े के बनाइए। बहुत ही आसान इजी रेसिपी है, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है और हेल्दी खाने में भी और यामी। बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद है। तो साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइए और शेयर करेंगे अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। और बहुत ज़्यादा रमज़ान की अच्छी रेसिपी देखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या हाल है आप सबके? अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और दुआ करती हूँ आप जहाँ के भी मेरा चैनल देख रहे हैं बिल्कुल ठीक ठाक हों और अपनी लाइफ में खुश हों। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। तो जी आज की वीडियो है चिकन रैप, जो बैर से हम लेके विंडीज़ वगैरह से और जो रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं, बिल्कुल ऐसे स्टाइल में बहुत ही शामी टेस्ट में बना रही हूँ। और सबसे पहले सबको मेरी तरफ से बहुत रमज़ान मुबारक। रमज़ान की रेसिपी है ये, और इसलिए मैं लाइट और हेल्दी रेसिपी से लेकर आ रही हूँ, ताकि बनाने में भी इजी हो, खाने में भी लाइट फील हो और हेल्दी हो। और साथ मैंने ये चिकन के लिए वो चिकन चाइनीज से रोल बनाने हैं, तो उसके लिए मैंने बना कर रखे हुए, वो भी बनाऊंगी। तो ये जो चिकन है, यहाँ तक जो नहीं बना ली मैंने, इसकी रेसिपी और ये सेम इसमें मिल जाएगी, क्योंकि ये सेम वैसी हो। मैंने इसको सब पीस बना के 5 मिनट पका लिया है। और आपको चिकन चाइनीज रोल देखने पड़ेंगे, ये रेसिपी और ये चिकन देखने के लिए। और मैंने जो वेजिटेबल ली है वो है, यानी कि सब्जियाँ, टमाटर, एवोकाडो, ये सलाद को मैंने काट लिया, जो प्याज है थोड़ी सी, और ये जैतून, और आप स्पिनच भी डाल सकते हैं, जो वेजिटेबल वो भी डाल सकते हैं, और खीरा भी डाल सकते हैं। मेरे पास अभी नहीं था तो मैं अभी नहीं डाल रही। और ये सॉस है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है इसका। आप लोगों को अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है, अगर नहीं मिले तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के लिए बनाऊँगी। तो ये जो है बहुत ज़बरदस्त लगता है पकौड़ों के लिए, स्नैक्स में। और ये मैं रोटी ये वाली इस्तेमाल कर रही हूँ, आप जो है नान पराठा उसमें भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो मैं इसलिए इसी में बना रही हूँ। ये बच्चों को और बड़ों को बहुत पसंद होता है, क्योंकि इसका यम्मी टेस्ट होता है। और ये सॉस ये देख लीजिए, क्योंकि बच्चों को मैंने ये करके दूंगी। ये थोड़ा सा स्पाइसी होता है, ज़्यादा नहीं, लेकिन बच्चे बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं खाते मेरे जो हैं, तो उनके लिए मैं ये हलाल गाय का सॉस इस्तेमाल करूँगी। ये बस ऐसे होता है जैसे ड्रेसिंग वगैरह होती है। तो रोटी निकालते हैं, बनाते हैं। ये मैंने रोटी ले ली है, इस तरह की होती है, बिल्कुल सॉफ्ट रोटी, बहुत मज़े की होती है, जैसे चपाती हम बनाते हैं वैसे ही होती है। और उसके लिए सबसे पहले मैं लूँगी वेजिटेबल्स, वन बाय वन करके वेजिटेबल जो सारी रख लूँगी। ये वाले जो है मैं प्याज और एवोकाडो जो है वो नहीं डालूंगी बच्चों में, बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे नहीं खाते, पसंद नहीं करते। ये मैंने सारी सब्जियां जो है हम रख ली हैं, अभी इसमें हम डालेंगे चिकन। बहुत ही यामी लगता है ये, बहुत ही मज़े का होता है। अफ्तार में इसको खाएं, बिना अफ्तार से बच जाए तो सहरी में खाएं, बहुत मज़े का होता है। लाइट सब्जियों के साथ प्यास भी नहीं लगती इतना, यानी कि खाना खा लें ज़्यादा भर के अफ्तारी में, फ्राई चीज़ों से ज़रूर बचिएगा, क्योंकि सबको अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है। चिकन मैंने रख दिए, अब इसमें हम डालेंगे सॉस। यमी लग रहा है मेरे, बहुत ही यमी है, मुझे तो बहुत पसंद है। अगर आप लोग इस तरीके से बनाते हैं या अगर पसंद है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पसंद है आप लोगों को। अब इसको हम इस तरह फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद दिखाती हूँ। इसको फोल्ड करने से पहले मैं बता दूँ, मैं सारी इसी तरीके से बना लूँगी, सिर्फ ये कि ये वाला सॉस डालूँगी बच्चों के लिए, और मैं एवोकाडो और प्याज नहीं डालूँगी। इसी तरीके से सारे बना लेंगे, उसके बाद दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने फोल्ड कर लिया, और दरमियान में से इसको मैं काट दूँगी। ये देखिए मैंने दरमियान से काट लिया, और कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना। अभी मैं सारे ऐसे ही बना लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। ये देखिए इतनी जूसी और बहुत ही यामी ज़बरदस्त चिकन रोल कह लें आप, यार जानना। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ खाने सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर विद योर फैमिली फ्रेंड।